फ्रेंड्स, मैं भी हड़बड़ा के उठाऊं कि भाई गूगल प्ले स्टोर बैन हो रहा है 1 दिसंबर से पाकिस्तान में। और वो इस वजह से कि उसमें हम जो बिलिंग करते थे पहले, जो टेलीनॉर वगैरह से, हम जैज़ वगैरह से हम जो कोई भी चीज़ परचेज करते थे वो अब नहीं कर पाएंगे, और उसके चक्कर में फिर प्ले स्टोर की एप्लीकेशन ही बैन हो जाएंगी। तो जिन लोगों ने भी एप्लीकेशन डालनी है वो डाल चुके हैं, तो फिर उसको डिलीट ना करना, क्योंकि उसके बाद जो फिर मौका नहीं मिलेगा इंस्टॉल करने का। ये हालात चल रहे हैं भाई पाकिस्तान में। देखो यार, हर चीज़ बैन होती है। हम तो सुपर चैट का सोच रहे थे, सुपर चैट यूट्यूब का ऑन होगा, तो वो होने की बजाय ये चीज़ें हो रही हैं। उल्टा चल रहा है कि पाकिस्तान में सुपर चैट तो छोड़ो, सब चीज़ें बैन हो जाएंगी। एक वक्त आएगा सब बैन हो जाएंगे, अच्छी की तरफ जाएंगे हम। वजह ये है कि भाई यहाँ पे इनके पास पैसे नहीं होते डॉलर वगैरह, इन लोगों को डॉलर चाहिए, तो इन लोगों ने इस चक्कर में उसको बैन किया। और बाकी सारी कंपनीज भी लगी पड़ी हैं कि इस पर बात करें और इस पर कुछ ऐसा करें जिससे उसका कोई हल निकले। वैसे ये ऑफ द टॉपिक बात है, मेरे चैनल के मुताबिक ये बात नहीं है, पर मैंने कहा चलो ये आप लोगों को बता देता हूँ। अब क्या करना है भाई दोस्तों, अगर प्ले स्टोर जो है इस तरह से बैन हो गया तो लग गए हमारे तो फिर और टेलीनॉर वगैरह ये सारी कंपनीज बात कर रहे हैं कि भाई मनाएं किसी तरीके से कि भाई ऐसा नहीं करो इस तरह से, फिर तो जो है मसला हो जाएगा। पर वो पता नहीं सुनते, यानी आईफोन वाले तो खुश हैं, उनको तो प्ले स्टोर की ज़रूरत ही नहीं थी, तो हम लोग को प्ले स्टोर की ज़रूरत है क्योंकि हम गरीब हैं, हमारे पास एंड्रॉयड है, तो गरीबों के ये भी हक मारा गया। तो आप लोगों को इसके बारे में क्या कहना, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा।